बिसम राहम् अलिम डी ए स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप सब सभी से होंगे माय नेम इज़ अदील महबूब आई एम लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस आज हम चैप्टर नंबर फोटी का एक टॉपिक है जिसका नाम है डिक्लेरेशन एंड इनिशलाइजिंग स्ट्रिंग वेरिएबल ये पढ़ने वाले हैं कि हम स्ट्रिंग वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और इनिशलाइज़ करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर उसके बाद देखेंगे कि स्ट्रिंग असाइनमेंट क्या होती है यानी स्ट्रिंग वेरिएबल को जब हमने कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करनी होती है डायरेक्टली उसका क्या प्रोसेस है क्या मेथड है डिटेल से इसको देखेंगे इसका सेंटेक्स भी देखेंगे और इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे तो चलते हैं लेक्चर की तरफ डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि आपको इस बारे में पहले पढ़ा दिया गया है कि जब हमने किसी एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करनी होती हैं तो हम उसके साथ एक इंडेक्स नंबर लगाते हैं और वो जो वैल्यूज़ हैं वो सेम टाइप की होनी चाहिए मिसाल के तौर पे इससे पिछले लेक्चर में आपने ये पढ़ लिया है कि जब आपने इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करना हो किसी एक ही वेरिएबल में यानी वेरिएबल का नाम एक ही रहेगा लेकिन उसका जो इंडेक्स नंबर है जिसे सब्सक्रिप्ट कहते हैं वो हम चेंज कर देते हैं तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाती हैं विद द सेम नेम जस्ट लाइक एरे अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं और इनिशलाइज़ करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स को यानी टॉपिक का नाम है डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग वेरिएबल्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रिंग याद रखिएगा जिस तरह से आपने एक इंटीजियर डेटा टाइप पढ़ी है आपने फ्लोट डेटा टाइप पढ़ी है कैरेक्टर पढ़ी है इसी तरह से एक डाटा होता है हमारे पास स्ट्रिंग स्ट्रिंग से मुराद है कंबिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स मल्टीपल कैरेक्टर्स का कंबिनेशन मिसाल के तौर पर किसी का नाम है किसी का एड्रेस है और करेक्टर्स जो है वो कोई भी करैक्टर्स हो सकते हैं अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं अपर केस लोअर केस डिजिट्स भी हो सकते हैं और स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकते हैं इन सब का जो कम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग और ज़रूरी नहीं है कि इन सब का कम्बीशन एक ही वैल्यू में मौजूद हो ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स भी अगर हों जैसे किसी का नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल अदील तो अदील जो है ये पूरा जो नेम है ये एक्चुअली क्या है स्ट्रिंग वैल्यू है इसी तरह से अगर हम नेम uh, की बात करें इसी तरह से एड्रेस की बात करें इसी तरह से फ़ोन नंबर की बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं हम जब इन स्ट्रिंग वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है और किस तरह से निशलाइज़ किया जाता है ये तरीकाकार अब हमने पढ़ना है याद रखिएगा कि जिस तरह से आपने इंटीजर के मामला में किया था कि आपने जब एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी थी तो वेरिएबल के नाम के साथ उसका साइज लिख दिया था और इंडेक्स नंबर देकर आपने इंटीजर वैल्यूज को स्टोर किया था तो अब हमें यह पता है कि कैरेक्टर का मतलब होता है एक सिंगल कैरेक्टर और वो जो कैरेक्टर है वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है कीबोर्ड से वो कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है वो कोई स्पेशल कैरेक्टर या वो कोई इवन के स्पेस भी हो सकती है और यहाँ तक कि वो कोई डिजिट भी हो सकता है तो एक सिंगल कैरेक्टर करेक्टर कोई भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर करेक्टर का मतलब होता है एक सिंगल करैक्टर लेकिन अगर हम करेक्टर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करें और साथ उसके साइज़ बता दें तो मल्टीपल कैरेक्टर्स उस एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर किए जा सकते हैं जस्ट लाइक स्ट्रिंग वैल्यू तो हम स्ट्रिंग वैल्यू को सेव कर सकते हैं इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो सिंटेक्स है वो ये है कि हम डाटा टाइप लिखते हैं और डेटा टाइप जो है वो करेक्टर की जाहिर सी बात है लिखें क्योंकि हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यू की आगे वेरिएबल का नाम लिखेंगे और आगे इन ब्रैकेट्स में हम उसका साइज बता देंगे कितना साइज होगा और जितना भी साइज़ होगा जो भी उसका साइज़ है तो जो लास्ट वैल्यू होगी उसका इंडेक्स नंबर उस साइज़ में माइनस वन कर देंगे यानी साइज़ अगर एन है तो लास्ट इंडेक्स नंबर होगा एन माइनस वन क्योंकि वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा इसको मज़दीद समझाने के लिए यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिखी है और आपकी बुक में भी यही एग्जांपल मौजूद है इसमें आप देख सकते हैं कि डेटा टाइप लिखी हुई है कैरेक्टर वेरिएबल का नाम है नेम ये वेरिएबल का नेम है और आगे इसके साइज है यानी एक वेरिएबल है हमारे पास जिसका नाम है नेम उसकी डेटा टाइप है कैरेक्टर यानी इसके अंदर सारे कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं लेकिन कितने कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं सिक्सटीन मैंने इसको कैरेक्टर क्यों रखा इस वजह से कैरेक्टर रखा क्योंकि मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी थी और स्ट्रिंग जो है वो कंबिनेशन ऑफ कररेक्टर होते हैं टीजेस या फ्लॉट नहीं कंबिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि हम जब स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करें तो उसमें कोई स्पेशल करेक्टर उसमें कोई डिजिट भी आ सकता है उसमें कोई अल्फाबेट आ सकता है तो इस वजह से हमने इसको करेक्टर किया यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा और आगे उसका साइज बता दिया 16। अगर हम इतना लिखते हैं ये भी मैंने नहीं बताया जितना अभी तक मैंने बताया इतना लिखते हैं आगे लगाते हैं तो ये डिक्लेरेशन कहलाएगा जो मैंने यहाँ पर सेंटेक्स लिखा ये डिक्लेरेशन का सेंटेक्स है लेकिन अगर हमने इसको इनिशलाइज़ करना है और आपको पता है कि नेशलाइजेशन का क्या मतलब है स्पेसिफाइंग द वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन इस चीज़ को हम कहते हैं निशलाइजेशन तो जब हमने निशलाइज़ करना होगा उसको तो डिक्लेयर करने के दौरान हम इक्वल का साइन लगाएंगे और इक्वल का साइन लगाने के बाद हम आगे वो स्ट्रिंग वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर ये बात आपने नोट करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने इक्वल के साइन के बाद आगे स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी होती है तो ये जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है आपके पास आपने इसको डबल कोटेशन मार्क में लिखना होता है, यानी आपने इसको इन्वर्टेड कौमास में लिखना होता है जिस तरह से हमने ये पढ़ा था कि एक सिंगल कैरेक्टर लिखना हो तो उसके लिए हम सिंगल कोटेशन मार्क लगाते हैं लेकिन यहाँ पे जब हम स्ट्रिंग वैल्यू की बात करेंगे तो स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है जिसे हम डबल कोटेशन मार्क भी कहते हैं तो डबल कोर्ट्स के अंदर हम उसको लिखेंगे तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू लिखी है लाहौर ये कैपिटल एल है ये ए एच ओ आर ई ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं अगर हम देखें तो ये कितने कैरेक्टर्स बन रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दीज आर टोटल सिक्स कैरेक्टर्स दैट आर गोइंग टू बी स्टोर इन नेम वेरिएबल विद द डाटा टाइप कैरेक्टर तो ये जब कैरेक्टर्स यानी कंबिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं ना एक्चुअली ये जब स्टोर होंगे इसमें तो मेमोरी लोकेशन किस तरह से रिजर्व होंगी उसको आपने समझना है ये यहाँ पर मेमोरी लोकेशन आप कंसिडर कर लें ये उसी की एग्जाम्पल है तो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन जो है उसमें एल स्टोर हो जाएगा सेकेंड मैमरी लोकेशन में ए थर्ड मैमरी लोकेशन में एच फोर्थ मैमरी लोकेशन में ओ फिफ्थ मैमरी लोकेशन में आर और सिक्स मैमरी लोकेशन में ई e स्टोर हो जाएगा ये मैंने क्या लिखा हुआ है ये भी मैं अभी बताता हूँ आपको फिलहाल आपने ये समझना है कि ये जो मेमोरी लोकेशन हैं ये कितनी हैं मेमोरी लोकेशंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन और सिक्सटीन दीज आर टोटल सिक्सटीन मेमोरी लोकेशन्स ये सिक्सटीन मेमोरी लोकेशंस किसने रिजर्व की हैं ये रिज़र्व की हैं नेम के वेरिएबल में यानी ये जो नेम का वेरिएबल है इसने रिज़र्व कर ली हैं 16 मेमोरी लोकेशंस और ये जो 16 मेमोरी लोकेशंस हैं ज़रूरी नहीं है कि सब के अंदर ही कोई ना कोई एक करेक्टर मौजूद हो जिस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने इसका साइज तो 16 बताया है लेकिन इसके अंदर हमने वैल्यूज़ कितनी स्टोर की हैं यानी इसके अंदर करेक्टर्स कितने स्टोर किए हैं ओनली सिक्स और इनका जो रेफ़रेंस यानी इंडेक्स नंबर है जिसको सब्सक्रिप्ट कहते हैं जिससे इन मेमोरी लोकेशंस की पहचान होगी उनका जो नंबर है वो जीरो से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन जो है दैट इज इज जीरो मेमोरी लोकेशन एंड एंड देन वैसे तो अगर हम देखें तो लाहौर जो है इसके जितने कैरेक्टर्स हैं वो इंडेक्स नंबर कहां से शुरू हो रहा है उनका जीरो से फाइव तक तो जीरो से फाइव का मतलब है कितने हो गए सिक्स हो गए तो अगर आप इन सिक्सटीन मेमोरी लोकेशन के इंडेक्स नंबर देखें तो वो कितने हैं है वो सिक्सटीन ही लेकिन इंडेक्स नंबर चूंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट इंडेक्स नंबर होगा फिफ्टीन जैसे मैंने आपको बताया था एन माइनस वन तो सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टी तो हैं ये सिक्सटीन ही अभी मैंने काउंट किया आपके सामने हैं ये सिक्सटीन लेकिन जो इंडेक्स नंबर है वो जीरो से शुरू होगा और फिफ्टीन तक जाएगा एक बात बड़ी अहम जो आपने याद रखनी है कि जब भी हम किसी स्ट्रिंग वैल्यू को यहां पर एंटर करते हैं किसी भी वेरिएबल में तो जब वो स्ट्रिंग वैल्यू कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट पे एक नल कैरेक्टर लग जाता है 0 आपको नजर आ रहा है। इस बैक स्लैश जीरो जाता है नल कैरेक्टर नल कैरेक्टर नल कैरेक्टर का मकसद ये होता है जो कि इंडिकेट करता है कि यहां पर वैल्यूज कंप्लीट हो गई हैं इससे आगे कोई वैल्यू नहीं अब बात यह है कि इस नेम के वेरिएबल ने टोटल मेमोरी सेल्स कितने रिज़र्व किए हैं मेमोरी लोकेशंस कितने रिजर्व किए हैं सिक्सटीन लेकिन यूज़ कितने किए हैं यूज़ तो किए हैं इसने ओनली सिक्स ज़ीरो से फाइव तक आगे लग गया बैक स्लैश ज़ीरो जो इंडेक्स नंबर सिक्स है उस पर बैक स्लैश जीरो आ गया तो बाकी जो रिमेनिंग हमारे यहाँ पर मेमोरी सेल्स हैं जो मेमोरी लोकेशन हैं ये एम्पटी रहेंगी खाली रहेंगी ये किसी और वेरिएबल को मिल भी नहीं सकती क्योंकि ये रिज़र्व कर ली है नेम के वेरिएबल ने तो ये फ़िलहाल हमारे लिए वेस्ट हैं तो याद रखें कि जब आपने किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करनी है और स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है तो आपने ये ध्यान रखना है कि साइज़ उसका बहुत ज़्यादा नहीं बताना आपने अकॉर्डिंग टू द वैल्यू करना है उसका साइज़ क्योंकि अगर जो एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशंस हैं वो रिज़र्व हो जाएंगी वो एम्प्टी रहेंगी अगर तो वेस्ट हैं तो ये अब किसी और को मेमोरी सेल्स नहीं मिलेंगे जब तक ये वाला जो वेरिएबल है ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय नहीं होता या डी एलोकेट नहीं होता लोकल है या ग्लोबल है इसने मेमोरी से डी एलोकेट करनी है ये लोकेशंस। लेकिन जब तक ये है जब तक इसकी लाइफ टाइम है आपको पता है तब तक ये मेमोरी सेल्स जो है मेमोरी लोकेशन जो है ये एम्प्टी रहेंगी और वेस्ट हो जाएंगी इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है हमारे पास मैंने करैक्टर वैल्यू स्टोर करनी थी अली और सी एच ए आर मैंने करैक्टर के कर तौर तो पे इसको डिक्लेयर किया नाम वेरिएबल का नेम है और मैंने यहाँ पर इसका साइज बता दिया फोर और आप देख सकते हैं कि इसको किसके इक्वल रखा वैल्यू हमारे पास क्या है अली है स्ट्रिंग वैल्यू है तो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा और आपको पता है ये इनिशलाइजेशन है क्योंकि हम इसको वैल्यू साइन हैं एट द टाइम ऑफ डिकलेशन यहाँ पे इसने फोर मेमोरी लोकेशंस को रिजर्व कर लिया मेमरी सेल्स को रिजर्व कर लिया जीरो से थ्री तक होगा ना फोर माइनस वन थ्री जिसमें एन माइनस वन का फॉर्मूला आपको बताया तो जीरो वन टू और 3. तो फर्स्ट जो सेल है जिसका इंडेक्स नंबर जीरो स्टोर हो जाएगा कैपिटल ए सेकेंड में स्मॉल एल और थर्ड में स्मॉल आई ये है थर्ड सेल लेकिन इसका है, है इंडेक्स है, है नंबर क्या है जीरो है लास्ट पे बैक स्लैश ज़ीरो लग गया यानी नल कैरेक्टर लग गया जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो कंप्लीट हो चुकी है तो कोई भी यहाँ पे सेल आप देख सकते हैं वेस्ट नहीं हुआ कोई भी सेल एम्प्टी यानी कोई मेमोरी लोकेशन एम्प्टी नहीं रहा यहाँ पे बोर्ड का एमसीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट और बोर्ड में आ चुका है कि नल कैरेक्टर को किससे डिनोट करते हैं तो आपने याद रखना है बैक स्लैश ज़ीरो से आपने एक बात और की है कि मैंने यहाँ पे नल करेक्टर यानी बैक स्लैश ज़ीरो कहीं पे नहीं लगाया ना यहाँ पे मैंने लगाया इस वैल्यू में स्ट्रिंग वैल्यू में ना यहाँ पे लगाया ये बाय डिफ़ॉल्ट लग जाता है जब हम वैल्यू दे दें उसके बाद जो मेमोरी लोकेशंस हैं आ, उनको तो मतलब कंप्यूटर को इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई है वैल्यू तो बैक स्लैश ज़ीरो बाय डिफ़ॉल्ट यानी ऑटोमेटिकली लग जाता है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है और ये ख़ुद बहुत बैक स्लैश ज़ीरो लगा दिया जाता है तो उम्मीद है आपको डिक्लेयर करना और इनिशलाइज़ करना स्ट्रिंग वेरिएबल की इस इस प्रोसेस की समझ आ गई होगी और आपने देखा कि हम यूज़ इसको कर रहे हैं करेक्टर के तौर पे वैल्यू इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं तो ये एक एरे के तौर पे काम कर रही है क्योंकि एरे के अंदर इंडेक्स नंबर होता है और एरे का कॉन्सेप्ट है ये कि एक वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो और उनका रेफरेंस देने के लिए आप इंडेक्स नंबर इस्तेमाल करते हो जिसको हम सब्सक्रिप्ट भी कहते हैं अब आगे चलते हैं बात करते हैं स्ट्रिंग असाइनमेंट की कि अगर हमने कोई स्ट्रिंग असाइनमेंट करनी हो यानी कोई वैल्यू साइन करनी हो और वो स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसको डायरेक्ट असाइन करना हो किसी वेरिएबल को तो फिर क्या होगा मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नेम साइज़ नहीं बताया मैंने डायरेक्ट लिखा नेम या कोई इंडेक्स नंबर नहीं बताया डायरेक्ट मैंने लिख दिया नेम इज़ इक्वल्स टू डबल कोर्स में लिखा आई लव पाकिस्तान ऐसा करने से एरर आ जाएगा क्योंकि नेम का जो वेरिएबल है वो एक मेमोरी सेल रिजर्व कर रहा है हम इसको इंडेक्स नंबर बता नहीं रहे यहाँ फिर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं आई उसके बाद स्पेस ये भी एक करेक्टर है फिर एल ओ वी ई फिर स्पेस फिर पाकिस्तान ये टोटल हमारे पास एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल कैरेक्टर्स है जब मल्टीपल कैरेक्टर्स इसमें स्टोर होने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हमारा कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि इसको किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है ऐसी सिचुएशन में एक तरीका तो ये होता है कि हम ये करें अगर आपने डायरेक्ट एक वेरिएबल को लेके उसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए आपको एक एस टी आर कॉपी का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा और एक बात बड़ी अहम आपने याद रखनी है कि स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए जब हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग करनी है स्ट्रिंग वैल्यू को कॉपी करना है स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन करना है जब स्ट्रिंग हैंडलिंग के जितने भी फंक्शंस मौजूद हैं लैंग्वेज में उनको हमने इस्तेमाल करना है तो ज़रूरी है कि हम एक लाइब्रेरी फाइल इस्तेमाल करें और इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर तमाम स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड जो फंक्शन हैं उनकी डेफिनेशन मौजूद होती है और इस लाइब्रेरी फाइल का नाम है स्ट्रिंग डॉट एच स्ट्रिंग डॉट एच ये लाइब्रेरी फाइल लगाना जरूरी है मिसाल के तौर पे हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करने लगे तो इस फंक्शन के लिए इस लाइब्रेरी फाइल का होना जरूरी है अब ये फंक्शन है क्या इसका मतलब होता है स्ट्रिंग कॉपी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एस टी आर सी पी वाई इसको लिखने ये इसका लिखने का तरीकाकार है लेकिन इसका मतलब जो है वो स्ट्रिंग कॉपी होता है जिस तरह से क्लियर स्क्रीन का फंक्शन होता है तो उसके लिए हम सी एल आर एस सी आर लिखते हैं सेम इसी तरह से स्ट्रिंग कॉपी मुकम्मल लिखने की बजाय हम लिखते हैं एस टी आर सी पी वाई इसका सेंटेक्स जो है वो ये होता है कि आपने लिखना होता है सी एच ए आर कैरेक्टर है बेसिकली ये और एसट्रिंग और फिर एस टी आर सी पी वाई स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन लगाना है और इसका मकसद क्या है इसका मकसद ये होता है कि आपने इसमें जब कोई स्ट्रिंग वैल्यू कॉपी करनी है इसे कहेंगे कॉपी करना डायरेक्ट हम असाइन नहीं कर सकते इस तरह जब कोई वैल्यू इसको एलोकेट करनी है इसको असाइन करनी है तो स्ट्रिंग असाइनमेंट के लिए हम स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वैल्यू इसमें कॉपी हो जाए तो इसके लिए कॉपी करना पड़ेगा फिर हाँ यहाँ पे कैरेक्टर और एस्ट्रिक फिर डेस्टिनेशन यहां पे हमने इस वैल्यू को कॉपी करना है यानी वो वेरिएबल जिसमें वैल्यू कॉपी होगी उसके बाद आपने लगाना होता है कोमा और आगे फिर कांस्टेंट कैरेक्टर एस्ट्रिक और सोर्स सोर्स से मुराद वो वैल्यू जो आपने कॉपी करनी है यहाँ पे वो वैल्यू लिखेंगे जो स्ट्रिंग वैल्यू इसकी एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको मजीद समझ आ जाएगी तो इसका सिंपल सा तरीका कार लिखने का ये है इसकी एग्जाम्पल ये है कि आपने लिखा एस टी आर सी पी वाई आगे आपने लिखा नेम ये तो रोंग हो गया ना ये तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये हमें एरर दे रहा है तो यही काम अगर हम करना चाह रहे हैं यानी इस वेरिएबल ने इसमें हम इस वैल्यू को साइन करना चाह रहे हैं तो ये तो तरीका गलत है क्योंकि हम ना तो इंडेक्स नंबर बता रहे हैं करेक्टर जिस तरह यहाँ पे हमने किया नाम हम साइज बता रहे हैं तो उसके लिए अगर हमने ये काम करना है स्ट्रिंग असाइनमेंट करनी है तो आपने लिखना होता है एस टी आर कॉपी एस टी आर सी पी वाई स्ट्रिंग कॉपी और आगे आपने वो डेस्टिनेशन ये डेस्टिनेशन है बेसिकली जहाँ पे हमने कॉपी करना है और आपने लगाना है कॉमा और फिर डबल कोटेशन मार्क में यानी इन्वर्टेड कॉमास में आपने वो स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी जिसको आपने कॉपी करना है और वैल्यू है हमारे पास आई लव पाकिस्तान इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट और सेमिकोलन ये हमारे पास सोर्स है जो कॉपी हो रही है वैल्यू ये सोर्स है ये डेस्टिनेशन है इस तरह से हम एक स्ट्रिंग वैल्यू को सिंपली कॉपी कर सकते हैं असाइन अगर हम करना चाहते हैं तो और जब आपने ये फंक्शन इस्तेमाल करना है तो इसके इसके जो मुतलका हेडर फाइल है या लाइब्रेरी फाइल है वो है स्ट्रिंग एच तो ये बात भी आपने याद रखनी है तो उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी डी स्टूडेंट्स तो जैसा कि आपने देखा के स्ट्रिंग वेरिएबल को किस तरह से वैल्यू असाइन की जाती है और किस तरह से हम इसको डिक्लेयर या इनिशलाइज़ करते हैं हमने इसकी एग्जांपल्स भी कर ली इसका सिंटेक्स भी देख लिया और हमने एक फंक्शन भी पढ़ा स्ट्रिंग कॉपी का और उसका जो पर्पज़ है वो भी हमने देख लिया उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बाकी इन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़